अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर जी के। तो फ्रेंड, आज की वीडियो पाई वॉलेट के बारे में होगी और पाई वॉलेट में जो मेनेट के अंदर है और उसमें जो न्यू अपडेट हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, आप इजीली पाई वॉलेट को टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। तो जैसे थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने पाई ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो मेनेट के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है और डिटेल में सब कुछ बताया है, तो वो वीडियो भी बहुत ज़रूरी है, वो वीडियो आपने देख लेनी है। तो जस्ट यहाँ पे पाई ब्राउज़र पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो साइन इन टू पाई ब्राउज़र, तो पाई ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और पाई ब्राउज़र जैसे ही ऑन होता है तो उसके बाद आपके पास बहुत सारी दूसरी ऐप हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पाई वॉलेट है तो उसको ओपन करेंगे और टेस्टिंग में जो आपके पास कॉइन मौजूद है और इसके अलावा पाई मेनेट जो है उसमें जो कॉइन आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि पाई वॉलेट का वॉलेट मौजूद है यहाँ पे, इसको आप ओपन कर सकते हैं। क्योंकि सीक्रेट ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आपने देख लेनी। तो यहाँ पर पाई वॉलेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड, पाई वॉलेट के यहाँ पर अनलॉक जो पास फ्रेज की होती है ये आपने सिक्योर करके रखनी होती है। ये वॉलेट किस तरह क्रिएट करना है तो इसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आपने देख लेनी है अगर आपके पास वॉलेट नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड, वो जो आपके पास फ्रेश की है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है और उसके बाद अनलॉक विद पास फ्रेश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे फ्रेंड आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये अनलॉक होगा और उसके बाद आपके पास जो वॉलेट है वो लोड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आजकल बिल्कुल ही डैशबोर्ड चेंज है। और यहाँ पे आप देखें तो सबसे ऊपर देखें तो पाई मैनेट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पाई मैनेट जो है तो पाई मैनेट में अभी ज़ीरो है, क्योंकि जैसी केवाईसी होगी तो केवाईसी की जैसी वेरिफिकेशन होगी मेरी अपनी वेरिफिकेशन होगी और इसके अलावा मेरे साथ जो रेफरल है उनकी वेरीफिकेशन होगी, तो उसके बाद क्वेन जो होगी वो पाई मैनेट में आ जाएंगे जहाँ पर वॉलेट, तो यहाँ से फिर हम सेंड रिसीव वगैरह कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ज़ीरो है, अवेलेबल बैलेंस भी ज़ीरो है, रिसीव का ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन है और सेटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री अभी कुछ भी नहीं है, माइग्रेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एरो पे फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एरो पे यहाँ पे, तो जैसे ही एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पाई टेस्टनेट। तो यहाँ पे पाई टेस्टनेट मेरे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही फ्रेंड इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 176 जो पाई है वो पाई टेस्टनेट में मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस, सेंड रिसीव का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो आपके पास फ्रेश की होती है ये होती हैं वो भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंड करते हैं या आप किसी को सेंड करते हैं, अगर आपको कोई सेंड करता है तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो एरो डाउन होता है, और अगर आप किसी को सेंड करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है और ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप उसको सेंड करते हैं। तो ये टेस्टनेट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है कि टेस्टनेट पाई इज नॉट रियल दैट यू हैव टू माइन थ्रू ए पाई ऐप। तो ये टेस्टनेट है इसलिए कि या ताकि आप टेस्टिंग कर सके कि जो आपके पास कॉइन अवेलेबल हैं वो उसकी जो आप अगर किसी को सेंड करना चाहते हैं तो इजीली आप सेंड कर सकते हैं। तो माइग्रेशन का भी यही ऑप्शन है और यही सेटिंग है तमाम। तो ये आजकल इसका बिल्कुल डैशबोर्ड चेंज है। और सेंड रिसीव पे भी आप क्लिक करके किसी को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड भी कर सकते हैं, और अगर रिसीव भी क्लिक करना है तो ये आपका एड्रेस होता है तो ये आपने किसी बंदे को सेंड कर देना है, वो आपको फिर इसी एड्रेस पे जितने कॉइन उसने सेंड करने हैं वो सेंड कर देगा। और अगर आप किसी को कोई कॉइन सेंड करना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका जो रेसिपिएंट एड्रेस है वो पेस्ट करना है, अमाउंट देनी है जितनी आप टेस्ट सेंड करना चाहते हैं, और उसके अलावा जो फीस चार्जेज हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और उसके बाद आप सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई हुई है, और अगर न्यू डैशबोर्ड आया है तो इसके रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको पता चल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।